गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 प्रारंभ करने जा रहे हैं और उसके साथ में हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन भी करेंगे। तो बच्चे देखें, चैप्टर 2 में संबंध और फलन के बारे में सबसे पहले आर्टिकल आता है समुच्चयों का, समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। ठीक है, तो इसमें परिभाषा है इसकी, दो आरिक्त समुच्चयों पी और क्यू का कार्तीय गुणनफल पी इंटू टू उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है जिनको प्रथम घटक पी से और द्वितीय घटक क्यू से लेकर बनाया जा सकता है। तो हमने मान लो दो समुच्चय लिए, एक समुच्चय लिया पी, उसमें अवयव है 1, 2, 3 और दूसरा समुच्चय क्यू लिया, उसके अवयव हैं A, B, C। ठीक है, ये दो समुच्चय हैं, इनका कार्तीय गुणनफल पी तथा क्यू का कार्तीय गुणनफल, कार्टिजन प्रोडक्ट, कितना होगा? इसको हम डिनोट करेंगे पी इंटू टू क्यू से। इसके एलिमेंट कैसे होंगे? इसमें पहला जो पेयर का एलिमेंट होगा उसमें पी का एक अवयव लेंगे एक, और दूसरा अवयव बी क्यू का लेंगे। फिर हम इसी के दूसरे अवयव ले लेते हैं बी और वन के साथ तीसरा कॉम्बिनेशन सी। अब हम इसका सेकंड एलिमेंट ले लेते हैं टू इंटू ए टू बी टू सी। ठीक है, तीसरा अवयव है पी का 3, तो 3 का ए के साथ पेयर, 3 का बी के साथ पेयर और 3 का सी के साथ पेयर। तो हम देखते हैं कि हमने जितने पॉसिबल थे पी के और क्यू के अवयव हमने उनको सभी को यूज कर लिया है। तो जो पेयर में जो दिख रहा है आपको युग्म में, तो युग्म में पहला एलिमेंट जो है पी का कोई भी एक अवयव हो सकता है और दूसरा अवयव जो है पेयर में वो बी का क्यू का रहेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो हमने जो बनाया है समुच्चय उसमें आप देखेंगे कि जितने पॉसिबल संभव थे वो सारे के सारे हमने पेयर बना लिए हैं, इससे ज्यादा बनेंगे नहीं तो ये इसका क्या हो जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ नोट्स हैं, बच्चे नोट कर लेंगे। इसमें दो क्रमित युग्म बराबर होंगे यदि उनका प्रथम घटक और द्वितीय घटक समान हो। तो दो अगर पेयर हैं वो अगर बराबर तब होंगे जब पेयर का पहला एलिमेंट बराबर हो और दूसरा एलिमेंट बराबर हो। दूसरा नोट है, यदि दो दो समुच्चय दिए हैं, समुच्चय ए में पी एलिमेंट है और समुच्चय बी में क्यू एलिमेंट है, तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे? पी इंटू थ्री। उदाहरण के तौर पे यदि ए में 3 एलिमेंट है और बी में 3 एलिमेंट है तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? 3 × 3 9 एलिमेंट होंगे। ठीक है, और ए और बी अगर अपरिमित है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी अपरिमित होगा। और 3 का पेयर अगर बनाना हो तो कैसे बनेंगे? ए बी सी, ए बी सी किसके ट्रिपल प्रोडक्ट पेयर में बन जाएगा। तो ये भी इस तरह से हो सकता है, तो ये नोट कर लेंगे। अब हमको इस क्वेश्चन प्रश्नावली 2.1 का बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें दिया है x y 3 + 1 y − 2 y 3 = 5/3 और 1/3। तो x/3 + 1 = 5/3। तो हमको इसमें x y की वैल्यू फाइंड करना है।
तो हम देखते हैं कि एक्स बाई थ्री इक्वल कितना हो जाएगा, 5/3 - 1, तो ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो एक्स इक्वल टू 2। अब हम देखते हैं दूसरा, y-2/3 इक्वल 1/3, तो y इक्वल टू 1/3 + 2/3 कितना, 3/3, और 3/3 इक्वल टू कितना होता है, 1, इसीलिए y इक्वल टू 1। तो इसमें जो आंसर होगा x इक्वल टू एंड y इक्वल टू 1, ये पहले का आंसर हो गया। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, यदि समुच्चय ए में 3 अवयव हैं और समुच्चय बी में कितने, वो 3 ही अवयव दिख रहे हैं, तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ए क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे, 3 × 3, 9 अवयव आएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, अब हमको तीसरे क्वेश्चन में जी दिया हुआ है और एच दिया हुआ है, तो जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी फाइंड करना है। तो अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 किया है, एग्जाम्पल बताया था, आप उसी तरीके से इसको कर सकते हैं। तो हमने आपको जैसे जी क्रॉस एच में क्या करेंगे, पहला एलिमेंट जी का रहेगा 7 और एच का एलिमेंट 5, 7 4, 7 2, पहला एलिमेंट किसका है, जी का, और दूसरा एलिमेंट किसका है, एच का। इनके पेयर जो होंगे और भी आगे होंगे, उन सबको लिख लेंगे तो जी क्रॉस एच हो जाएगा, और एच क्रॉस जी, एच क्रॉस जी। तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम एच का एलिमेंट लेंगे, तो एच का अवयव क्या है, 5, और जी का 7, इस तरह से एलिमेंट लेंगे तो आपको एच क्रॉस जी मिल जाएगा। तो ये दोनों प्रकार के आपको पूरे जितने पॉसिबल हैं सब लिख करके आप इसके, तभी ये संभव, जितने संभव हो पूरे लेना है तभी एच जी क्रॉस, इसमें अगर एक भी छोड़ देंगे तो इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो जी क्रॉस एच में जी के सारे अवयव अटेम होने चाहिए और एच के सारे अवयव अटेम होने चाहिए। इसी प्रकार एच क्रॉस जी में भी एच और जी के जितने पॉसिबल एलिमेंट्स हैं उन सबको अटेम करना जरूरी है। अब हमको इसमें कुछ सही या गलत बताना है। तो जैसे पहले लिखा हुआ है कि P में अवयव है M और N, Q में अवयव है N और M, तो P क्रॉस Q, तो P क्रॉस Q में कौन कौन से अवयव होंगे, M, P का अवयव M लिया और Q का N, और P का M और Q का M, फिर हम P का दूसरा अवयव N लेके चलते हैं और Q का N, और P का N अवयव लिया और Q का M। तो हम ये देखते हैं कि इसमें आपको 4 अवयव दिख रहे हैं, कितने अवयव दिख रहे हैं, 4, और यहां पर जो अवयव दिख रहे हैं कितने दिख रहे हैं, 2, इसीलिए ये कथन असत्य है, असत्य है। दूसरा है क्वेश्चन, इसमें ए और बी एक दो समुच्चय हैं, तो क्या ये सही है कि पहला अवयव जो है ए का होगा और दूसरा बी का होगा, तो ये कथन सही है, सत्य है, ये निश्चित है, ठीक है ना। तीसरा, इसमें ए इक्वल टू दिया हुआ है, 1 और 2 अवयव हैं, बी में कौन कौन से अवयव हैं, 3 और 4, तो बी इंटरसेक्शन 5, तो ये क्या हो जाएगा, पाई होगा। तो ए का पाई के साथ क्या आता है, ये भी 5 रहता है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य। अब हमको पांचवें क्वेश्चन में ट्रिपल पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया है, तो उसको ज्ञात करना है। यहां पर ए इक्वल टू दिया हुआ है -1 और 1, तो हमको क्या फाइंड करना है,
ए क्रॉस ए, इसमें ट्रिपल पेयर होंगे। जैसे हमने लिया माइनस वन 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 और माइनस वन, फिर हम पोजीशन बदल बदल के लिख सकते हैं, माइनस वन वन, फिर वन की पोजीशन कहाँ आ सकती है, पहले नंबर पे आ जाएगी, वन माइनस वन माइनस वन। फिर हम वन दो बार ले लेंगे, माइनस वन 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 माइनस वन 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 माइनस वन। फिर हम क्या करेंगे, तीन और वन लेंगे, ठीक है, और इसके अलावा तीन और माइनस वन ले सकते हैं, ठीक है। इनका जो समुच्चय है यह ए क्रॉस ए ट्रिपल क्रॉस वाला है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको यहां पर ए क्रॉस भी दिया हुआ है, तो हमको ए और बी फाइंड करना है, तो आंसर छठ वे का। तो ए में कौन कौन से अवयव होंगे, जो पहले एलिमेंट होंगे वो ए के अवयव होंगे। तो ए में कौन कौन सा अवयव दिख रहा है, ए ए बी बी, तो कौन कौन से अवयव होंगे, ए और बी। बी में कौन कौन से अवयव होंगे, एक्स वाई एक्स वाई, तो एक्स और वाई, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। सातवें क्वेश्चन में आपको ये फाइंड करना है, तो पहले आप बी इंटरसेक्शन सी फाइंड कर लो और फिर उसका ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लो। इसमें क्या करेंगे, आप पहले ए क्रॉस बी फाइंड करो और ए क्रॉस सी फाइंड करो, और उनके कॉमन एलिमेंट्स को लेकर के आप इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तीसरे में आपको ए क्रॉस सी और बी क्रॉस सी अलग अलग ज्ञात करेंगे, और आप चेक करेंगे ए क्रॉस सी के सारे अवयव यदि बी क्रॉस सी में है तो वो उपसमुच्चय होगा, और यदि नहीं है तो उपसमुच्चय नहीं होगा। तो ये आप करके चेक कर लेंगे, बहुत इजी है, ठीक है। थैंक यू।